रघु उठो, तुम ऐसे हार नहीं सकते, तुम्हें लड़ना होगा, जीतना होगा। अपनी आंखें खोलो रघु। रघु तुम ऐसे हार नहीं सकते, अपने अंदर की शक्ति को ललकारो। ये चील तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, उन्हें अपने अंदर की ताकत दिखाओ रघु। ये लड़ाई तुम्हारी बच्ची की जिंदगी है, तुम इस लड़ाई को हार नहीं सकते, तुम्हें लड़ना होगा, जीतना होगा, अपनी बच्ची की जिंदगी को जीतना होगा। रघु उठो, लड़ो। रघु, मेरा विश्वास कहता है तुम ये कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो रघु। देखना, जीत तुम्हारी ही होगी। प्रार्थना, तुम मेरे साथ नहीं फिर भी मेरे पास हो, समझ गया। मेरी असली शक्ति तुम हो। जब तुम मेरे साथ नहीं थी, 6 साल से मैं कमजोर था। समझ नहीं आया क्यों कि रघु की असली शक्ति प्रार्थना है। आज तुम्हारे विश्वास ने मुझे विश्वास दिया है। मैं हारूंगा नहीं, मैं अपनी बेटी की जिंदगी जीत के आऊंगा, मैं वो जड़ी में लेके आऊंगा। ये क्या कर रही हो? बस करो। बस करो मतलब क्या? What's wrong with you? यहाँ मुझे मावा मत बोलो। इतने दिनों बाद मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं समा और इतने परवाने देख नहीं रही हो? यहाँ सारे लड़के मुझ पे लट्टू हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई एम एंजॉयिंग इट, सो लेट मी। लेकिन व्हाट? लेकिन हेलो, मैं ऐसी ही हूँ, यू गॉट इट? मृग, महक मिल गई है ना, तुम आप पार्टी के मूड में, करने दो ना यार। मेरे साथ नहीं, यहाँ नागिन हूँ मैं। ये चमक, लगता है ये वो जगह है। पूर्विका का कुछ दिन का जीवन दान और मिल जाएगा। कौन है वो जिसने मुझ पे खंजर चलाया है? और ये कौन सा तरीका है मैसेज देने का? वेट, लेट मी चेक, क्या लिखा है इसमें? नी हाओ, सॉरी, तुमसे ऐसे मिलना पड़ा। डैड ने बहुत कुछ बताया था तुम्हारे बारे में। मिलना है तुमसे? आ जाओ। Huge fan, Zhang's daughter, Meow. Meow? ये कैसा नाम है? चंगेज़खान और हिंदुस्तान के बीच में हमेशा दुश्मनी रही है। मैंने इस देश को बर्बाद करने के लिए चंगेज़खान में काफी लोगों की मदद की है, और उनमें से एक Zhang साहब थे, उनकी बेटी म्याओ है। अरे ये कैसे लोग हैं? मतलब मैसेज भी पहुंचाया पर बताया नहीं कि कहां, कैसे, कब मिलना है। बंगलो B255 जनकपुरी। ऐसे कोई मैसेज देता है क्या? मन तो करता है उस मियाओ को डस के ना मियाओ गो कर दो। चंद चंद, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम दोनों वहां जाओ और पता लगाओ कि चंगेज़खान हमसे क्या चाहता है। मुझे अपनी सारी शक्तियों का भी इस्तेमाल करना है। शक्ति चाहिए तो मुझे पूरा नेवला बनना होगा। सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन नेवला। शुँ।
परम, परम तुम्हें जमीन पे बैठे क्या कर रहे हो? अरे वो मेरा रिंग गिर गया था तो मैं ढूंढ रहा था। परम ये खून, तुम्हारे मुंह पे ये खून कैसा? तुम्हें चोट लगी है क्या? आर यू ओके? अरे ये खून नहीं केचप है, तुम्हारे आने से पहले मैं डिनर कर रहा था। बहुत यम था यार, बहुत यम था। डिनर में केचप? आई नो थोड़ा अजीब है पर क्या करे, आदत से मजबूर हूँ। अच्छा सुनो ना, तुम मामी जी और मामा जी के पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, वो महर को लेके बहुत टेंस्ड है ना, तो उन्हें अच्छा लगेगा। ओके तुम चलो मैं आता हूँ। ओके म्याओ 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 म्याओ। यहाँ तो कोई म्याओ है ही नहीं, पर एड्रेस तो यहीं का मिला था ना। म्याओ Myself, meow. Welcome. You're most welcome. Hey. उसकी जैसी मियाओ। किसकी जैसी? मैं मियाओ की जैसी myself, you know, लंबी स्टोरी है। मेरे पापा इंटरेस्टिंग मैन, वेरी स्कैरी मैन, जब इंडिया आए थे उन्हें एक हॉट चिक पसंद आई थी, उसका फेस पसंद आया था तो चिंगिस्तान में लैब में उन्होंने मुझे सेम फेस दे दी। एंड आई लाइक द फेस, अच्छा लगा ये शक्ल। तो तुम इंसान नहीं, लैब में बनी? मेड इन लैब, मेड इन चिंगिस्तान, बट माय नेम इंटरेस्टिंग नेम, स्पेशल नेम म्याओ। व्हाय फियर माय डियर, कम नियर। तुम दोनों नागिन हो राइट? मुझसे डर गए? ओ आई सी, लोकल नागिन्स, लो क्वालिटी। चले तो चांद तक वरना शाम तक। ए ज़्यादा फालतू बकवास मत करो, नागिन है हम, अभी डस लिया ना तो यही मर जाओगी, तो फिर कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। म्याऊ म्याऊ। डसो ना, मेरा बचपन का सपना था। बचपन का सपना? व्हाटएवर ड्रीम है कि मैं रियल लाइफ में किसी डसने वाली नागिन को देखूं और उसे कहूं कि प्लीज डसो मी। यू नो मैंने नागिन के हर एक सीजन देखे, वो टीवी सीरियल है ना नागिन, आई लव इट। वैसे मेरे पास कुछ सवाल है, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस इफ यू डोंट माइंड बेब्स। तो मुझे बताओ तुम नागिन के हाथ होते हैं? दिख रहा है होते हैं, तो तुम अपने हाथ से क्यों नहीं मारते? हमेशा ये क्यूट सी टेल यहाँ वहाँ क्यों पटकते रहते हो, लपट लपट लपट? और वो म्यूजिक क्या है, वो म्यूजिक सुन के तुम लोग को हो क्या जाता है अचानक? You know, वो बन वाली म्यूजिक, it's just not... Bean, whatever. Bean वाली म्यूजिक सुन के तुम लोगों को हो क्या जाता है? I mean, Bean की म्यूजिक सुन के डांस करना in the 80s was fine. पर आज के ज़माने में भी Bean पे डांस करना, I don't think so. वो म्यूजिक बहुत इरिटेटिंग और बहुत बोरिंग है। I think तुम लोगों को अपने DJ को कॉन्टैक्ट करना चाहिए और वो म्यूजिक चेंज कर देनी चाहिए। You know, some ढिनचैक, like some... Rap, some... Hey, stop it now. सब ड्रामा बंद करो अपना, सवाल जवाब बाद में करना, पहले ये बताओ कि हमें यहाँ क्यों बुलाया? Okay, telling. मैंने सुना है कि तुम लोग इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई साजिश कर रहे हो, साजिश कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम उस साजिश में मुझे इन्वॉल्व करो। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। लिसन प्लीज, मेरी ऑफर सुनो। मैं जानती हूँ कि तुम लोग के पास सपोले है, सपोलों का जहर है जो तुम यूज़ करने वाले हो इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इंडिया के पास अगर नागिन है तो चेंगिस्तान के पास है यति। मैं तुम लोगों को यति का खून दे सकती हूँ, यति का ब्लड, यति का पॉइजन दे सकती हूँ। जस्ट इमेजिन, तुम लोगों के लैब के सपोलों के जहर के साथ अगर यति का जहर मिल जाए तो वो सपोले कितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, एक झटके में पूरे इंडिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे।
सो थिंक अबाउट इट. अगर मेरा प्लान पसंद आया तो कल मुझे आके मिलो सीपी. वहाँ मेरा फैशन शो होने वाला है. एंड यू नागिन सर मोर देन वेलकम. ये तो मेरे खेल की शुरुआत है. आगे आगे बर्बादी की बरसात है. अब देखते जाओ मैं क्या करती हूँ. ये मियाओ इन लोगों से उलाला कैसे करवाती है. जस्ट वेट एंड वॉच. क्या यति का खून और जहर? यति का खून और जहर हमारे हाथ लग जाए ना, तुम्हारे मकसद में चार चांद नहीं 404 चांद लग जाएंगे. फिर हमारा मकसद पूरा होने में हमें कोई नहीं रोक सकता. लेकिन हमारा मकसद पूरा करने के लिए हमें किसी और साथी की जरूरत नहीं है. हाँ हाँ वो सब मैं जानती हूँ. लेकिन वो जो साथी है ना सिर्फ नाम का है. एक बार हमें यति का खून और जहर मिल जाएगा तो हम उसे खत्म कर देंगे. पॉइंट. माँ इस सदी के सबसे बड़े खेल की शुरुआत कर दी है मैंने. अब ये खेल मैं ऐसे खेलूंगी कि सारे दुश्मनों को जमीन सुंगा दूंगी. उनके ही खेल में उन्हें मात दे दूंगी. सबको मार दूंगी. मुझे जल्दी पूरे का तक पहुंचना होगा. जड़ी उसकी जिंदगी में कुछ दिन और बढ़ा देगी. अरे देखो देखो क्या हो गया. अरे लेके चली ना. आज का दिन बहुत बड़ा है. आज मैं दुश्मनों की दुनिया को बर्बाद कर दूंगी. उन्हें जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगी. बस अगर शिवजी का आशीर्वाद रहा तो सब कुछ ठीक होगा और मुझे मेरी मेहर वापस मिल जाएगी. पता नहीं रखू कहाँ है, वापस आया भी या नहीं. बस जहाँ भी हो ठीक हो. इन दुश्मनों से लड़ने के बाद मैं रघु के पास चली जाऊंगी. उसे अपनी बेटी का नाम बताऊंगी और मेहर को उसके पास ले जाऊंगी. ये जान के रघु कितना खुश होगा कि मेहर ही हमारी बेटी है. क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक है? एक आदमी जख्मी हालत में बेहोश होकर गिर गया है, पानी मांग रहा है. तो उसे पानी दे दीजिए ना. यहाँ आसपास पानी का कोई इंतजाम नहीं है, सब लोग वही ढूंढने गए हैं. ये पानी उन्हें पिला दीजिए. शुक्रिया. हे शिव जी, ये आदमी जो भी हो उसे ठीक कर देना. उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा होगा. बस उसे अपने परिवार तक पहुंचा देना. जी जी हमारी मेहर का कहीं पता नहीं चल रहा. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रार्थना बहन जी ऐसे कैसे हमारी बेटी को अपनी बेटी क्लेम कर सकती है. अरे वो तो खुद अपनी बेटी को छोड़कर चली गई थी और आज अचानक आई और हमारी बेटी को ले गई. नहीं नहीं अचानक नहीं, ये सब उसका प्लान था. पहले आई और ये ढोंग किया कि बच्चों से नफरत करती है ताकि उसे हमारा भरोसा मिल जाए और हम उसे आसरा दे दे. हमने बहुत बड़ी भूल कर दी जी जी. मामा बहुत जी, बड़ी भूल. इंस्पेक्टर अजय आए हैं. मिस्टर जीत, मैंने प्रार्थना को ट्रैक करने की पूरी कोशिश की लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है. पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई. इनफैक्ट रघु उसका भी कुछ पता नहीं है. ओवरनाइट ये लोग कहाँ चले गए कोई आइडिया नहीं है. और पूर्विका वो भी घर पे नहीं है. ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश ना की हो. बट डोंट वरी, वो बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे. नैना, वो तो तुम्हारी दी है ना, तुम्हें कुछ तो पता होगा उनके बारे में. नहीं मुझे नहीं पता. झूठ झूठ बोल रही है. यही देती होगी हमारे घर की सारी इन्फॉर्मेशन उसे. नहीं नहीं मेरी दी ऐसी नहीं है. वो दूसरे के बच्चे को हार्म नहीं कर सकती तो अपने बच्चे को क्या ही करेगी. Shut up. मेहर मेरी बेटी है और सिर्फ मेरी. तो आप भी एक बात समझ लीजिए, मेरी दी ऐसी नहीं है. वो ऐसा कभी नहीं कर सकती. आप देखना वो मेहर को बचाएगी भी और ढूंढ के यहाँ भी लेके आएगी. मुझे पूरा विश्वास है अपनी दी पे. अंजीत अपने आप को संभालो. Thank you.
पक्का पता है ना कि ये प्रार्थना नहीं है? मियाओ, वेलकम यू ऑल. क्या हुआ? आप तो मुझे देख के एकदम पानी में भीग गई, पानी पानी हो गई. शायद आप भी इनकी तरह ही सोच रहे हो मेरा फेस देखकर कि मैं उनकी तरह दिखती हूँ. वो कौन है? मदर डॉटर कॉम्बो पैक प्रथा प्रार्थना. नो नो नो, मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो. वेरी प्रिटी. लोग सही कहते हैं, समाना बदल रहा है. पहले तो सिर्फ लड़के मियाँ पर फिदा थे, पर अब तो लड़कियां भी. नाइस. सो सारा, आप भी वही हो क्या? आई मीन इन दोनों जैसी नागिन? नो नो नो, मैं क्यों नागिन नहीं. मेरे जैसे हॉट शॉट लड़के नागिन नहीं हो सकती. मैं सिर्फ इनकी दोस्त हूँ. तुम हो तो महक ही. देखती हूँ कब तक अपना असली चेहरा छिपाती हो. मैं पता लगा के रहूंगी त्रिशा और मृग से तुम्हारा क्या कनेक्शन है. आप क्या सोचती? सोच रही हूँ किसकी बजाऊं. सॉरी क्या? आई मीन ये रैंप वॉक है ना, तो उधर सोच रही थी कौन सा म्यूजिक बजाऊं जिससे मैं वॉक करूंगी. एंड बाय द वे, तुम्हें मेरे साथ वॉक करना है. मी? ओह नो 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 नो, दैट्स नॉट हैपनिंग. रैंप वॉक के लिए कभी ना नहीं बोलते, और ना बोलते वक्त कभी इतना एटीट्यूड नहीं दिखाते. दिखाते हैं तो अपना प्रिटी फेस और हेल्थी बॉडी दिखाते हैं. तो चलो कम ऑन, अपने हेल्थ से वेल्थ कमाओ. मैं अपने केयर के लिए बहुत शेयर करती हूँ. ये आग मेरी स्किन को फाड़ देगा, रूइन कर देगा, मेरी स्किन को डैमेज कर देगा, मेरी पूरी स्किन को बर्न कर देगा. कोई है यहाँ पर? प्लीज मुझे बचाओ, इस फायर से मुझे बाहर निकालो. ये तो गई, बेहोश हो गई. चल महक नागिन बन और इस आग से बाहर निकल. मतलब मैं सही थी, ये महक ही है. आग बुझ गई. Yeah. Thank you all. तुम लोग ने मेरी जान बचाई, मेरी स्किन को बचाया, मेरी ब्यूटी को बचाया. थैंक यू. अब तुम अपना काम करो, जो डील हुई थी ना उसे पूरा करो. तुम यति का खून दे दो हमें. खून करने ही तो, मेरा मतलब खून देने ही तो आई हूँ. वैसे तुम सारे हॉट चिक्स एक गैंग में और मैं सिंगल, नॉट फेयर. मुझे भी अपने गैंग में ऐड कर लो, मुझे भी तुम लोग के साथ मिंगल करना है. चलो एक राज तो खुल गया कि सारा ही महक है. अब दूसरा राज खोलना है कि त्रिशा की माँ कौन है. मैंने देखा है जब जब त्रिशा पे कोई मुसीबत आई उसकी माँ भी आ गई और त्रिशा को बचा लिया. आज भी आएगी, आज भी बचाएगी. अब ये बताओ यति का खून कहाँ है? यति का खून गाड़ी में, तुम जाके ले लो. तब तक मैं टच करती हूँ, आई मीन टचअप करती हूँ. ये आग की वजह से मेरी पूरी हेयर स्टाइल खराब हो गई है. ये गाड़ी की चाबी.
डोंट वरी ट्रिशा, तुम जाओ और रितिका खून लेके आओ। इस म्याओ की तुम्हें क्या म्याओ म्याओ करूंगी देखना, तड़पा तड़पा के मारूंगी। रघु, 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 तुम्हारी ये हालत? एक शेषनाग की हालत तभी होती है जब उसे अति से ज्यादा चोट लगी हो। रेखा कहाँ है? जड़ी बूटी काम करनी चाहिए वासुके। ये कैसा कठिन समय आ गया है, शेषनाग पे संकट, बेटी भी संकट में और शेषनागिन भी चारों तरफ आप ही को ढूंढ रही है। शेषनाग, ये जड़ी बूटी पूर्विका का कुछ दिन और जिंदा रखेगी। प्रार्थना को बोलना उसे हमारी दूसरी बेटी को जल्दी ढूंढना होगा, वही से जीवन दान। रघु, रघु, सैनिकों, शेषनाग के लिए शैया लेकर आओ। हे महादेव, यदि शेषनाग और शेषनागिन के परिवार को कुछ हुआ तो पूरा नागलोक संकट में आ जाएगा। प्रभु रास्ता दिखाइए, भोलेनाथ रास्ता दिखाइए। प्रभु हर हर महादेव। येति का खून कहाँ है? ये जमीन क्यों हिलने लगी? नागिनों का जानी दुश्मन। त्रिशा की आवाज है। यति, छोड़ मेरी बेटी को वरना मैं तुझे मार डालूंगी। बेटा तुम ठीक हो ना? जाओ तुम यहां से, इस यति का मैं संभालती हूं। यति को मिलने से पहले अपनी शेषनागिन से तो मिल लीजिए महक मासी। मुझे जानना था कि त्रिशा की माँ आखिर है कौन, कौन है जो इतने पर्दों के पीछे छिपकर वार कर रही है। चेहरे से पर्दा हटाना था तो बस एक नया चेहरा ले लिया और आपका असली चेहरा सामने आ गया। तो आप है त्रिशा की माँ। वाह, तो ये तेरी चाल थी। हाँ,
खेल खेल गई ना, अब तेरी जिंदगी को खेल बनाऊंगी। बहुत हो गया ये खेल महक मासी, आज मैं इस खेल को खत्म कर दूंगी, आज मैं आपको मौत दूंगी। माँ, अपनी माँ की मदद करनी है ना, तो सबसे पहले इस नागपाश से छूट के दिखाओ। बहुत दर्द दिया है आपने, आज मैं अपने हर दर्द का हिसाब लूंगी। बहुत तड़पाया है आपने महक मासी, आज मैं अपना इंतकाम लूंगी। इतिहास भी आज अपने आप में दोहरा रहा है, पता है तेरी माँ के साथ भी ऐसा एक पल आया था, बहुत शक्तिशाली थी तेरी माँ, लेकिन उसकी भी कमजोरी थी, बेचारी जीत कर भी हार गई। पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ मुझे पता था कि उसकी बेटी कहाँ है, और आज ये पल तुम्हारे साथ भी है। वो बेचारी भी पागलों की तरह अपनी बेटी ढूंढ रही थी, और तुम्हें देखो, तुम भी आज पागलों की तरह अपनी बेटी ढूंढ रहे हो, और आज भी सिर्फ मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। तो हाँ, अगर तुम मुझे मारोगे ना, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, वो भी मर जाएगी। याद तो होगा ना तुम्हें, एक बेटी की जान में दूसरी बेटी का हाथ। अगर मैं मर गई तो कौन बताएगा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? इस झगड़े वगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ है। अगर मैं मर गई तो तुझे तेरी बेटी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर शांति से बैठ के तुमने मेरी बात सुनी तो तुझे एक मौका मिलेगा अपनी बेटी बचाने के लिए। मैं जानती हूँ कि तू बहुत समझदार है, एक काम कर, इनको पहले छोड़ दे। आप चाहती क्या है, मुझे बताइए मेरी बेटी कहाँ है। देख, तुझे पता चल गया होगा कि त्रिशा मेरी बेटी है, और तुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है, अगर तुमने वो बात मान ली तो बदले में मैं तुझे तेरी बेटी दे दूंगी, और तुझे अपनी सारी शक्तियां त्यागनी होगी। और क्या? और ऋषा की शादी तुझे रघु से करवानी होगी। एक बार तूने अपनी शक्तियां त्याग दी तो तू शेष नागिन नहीं रहेगी, और अगर त्रिशा की शादी रघु से होगी तो वो अगली शेष नागिन बन जाएगी। क्या? सदमे में मत जाना। हाँ, तो एक काम कर, तू आराम से बैठ के सोच, कल तक वक्त दिया मैंने तुम्हें, अगर तुझे मेरी शर्त मंजूर होगी तो देख, तुझे मेहर मिल जाएगी और पूर्विका की जान बच जाएगी, लेकिन अगर तुझे मेरी शर्त मंजूर नहीं हुई तो मैं मेहर को मार डालूंगी और पूर्विका तो वैसे ही मर जाएगी। तो तू एक काम कर, घर जा और इसके बारे में सोच, फैसला तेरे हाथ में है, और आके मुझे बता दे कि क्या है तेरा फैसला। कैसे बचाऊं अपनी बच्ची को महक से, कैसे उसे वापस ले आऊं, कैसे त्याग दूं अपनी सारी शक्तियां, कैसे त्याग दूं अपना पति, क्या करूं, अपनी बच्ची को बचाऊं या अपने सुहाग को। दिल्ली का चप्पा चप्पा छान मारो, प्रार्थना कहीं भागनी नहीं चाहिए, ढूंढ निकालो उसे। ये
प्रार्थना है, लेकिन ये ऐसे कपड़ों में? मैर गए, जवाब दो। देखो, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम ही ने उसे किडनैप किया है, और मैं ये भी जानता हूं तुम्हें पता चल गया वो तुम्हारी बेटी है, लेकिन तुम उसके माँ बाप से उसके बच्ची को कैसे छीन सकती हो? तुम तो उसे नदी किनारे छोड़ाई थी ना, उन्होंने लीगली अडॉप्ट किया है, वो उनकी बच्ची है। इट्स बेटर तुम मुझे अभी बता दो वो कहाँ है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं भी उसी को ढूंढ रही हूँ, मुझे भी पता नहीं वो कहाँ है, मैं बहुत जल्द उसे ढूंढ लूंगी, बस मुझे कुछ और वक्त दे दो। बस करो, बंद करो अपनी बकवास। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। इंस्पेक्टर प्रमोला, मैंने प्रार्थना को अपने सामने रोक कर रखा हुआ है, आप जल्दी आइए, मुझे उसे अरेस्ट करना है। नहीं नहीं, अगर इंस्पेक्टर अजय ने मुझे अरेस्ट कर लिया तो महर को कैसे ढूंढूंगी? मुझे महक से लड़ना है, अपनी बेटी वापस लानी है, दूसरी बेटी को जिंदगी देनी है। नहीं, मैं इसके हाथ नहीं आ सकती। इसलिए गायब हुई है, लेकिन मुझसे बचकर कहां तक भागोगी? आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। तेरी शादी तो मैं शेषनाग से करवाऊंगी, और तू बनेगी शेषनाग रानी। पर शादी तो तब होगी ना जब प्रार्थना अपनी शक्तियां त्यागेगी। And I don't think so. आज तक किसी शेष नागिन ने अपनी शक्तियां त्यागी है जो प्रार्थना त्यागेगी? त्यागेगी वो, और त्यागनी पड़ेगी। बरसों पहले उसकी माँ प्रथा ने भी अपनी शक्तियां त्यागी थी अपने पति के साथ रहने के लिए, और प्रार्थना भी यही करेगी। तुम देखना, इन नागनों का ना इंसानों के साथ रहते रहते इनका भी दिल धड़कने लग जाता है, इनको भी बच्चे पैदा करने होते हैं, इनको भी प्यार करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देते हैं। और ये प्रार्थना अपनी माँ जैसी इडियट नंबर वन है, ये भी अपनी सारी शक्तियां त्यागेगी, फिर हम नागलोक पर राज करेंगे और इस देश को बर्बाद कर देंगे, इतना बर्बाद कर देंगे, इतना बर्बाद कर देंगे कि प्रार्थना कुछ नहीं कर पाएगी। रघु, 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 इतना जख्मी, ये सब कैसे हुआ, किसने किया? ये जंगल गया था पूर्विका के लिए कोई विशेष जड़ी बूटी लाने, वहाँ चीलों ने इस पर आक्रमण कर दिया और उसकी ये हालत कर दी। किसी तरह रघु नागलोक तक वो जड़ी बूटी लाने में कामयाब रहा, लेकिन इस जड़ी बूटी से पूर्विका की जान सिर्फ कुछ क्षण के लिए ही बच सकती है। रघु ने बेहोश होने से पहले कहा था तुम्हें किसी भी हाल में अपनी दूसरी बेटी को ढूंढना होगा प्रार्थना, पूर्विका की जान बचानी होगी। इसलिए तुम्हें पता चला कि तुम्हारी दूसरी बेटी कहाँ है? मेरी एक छोटी सी शर्त है, अगर तुमने वो बात मान ली तो बदले में मैं तुझे तेरी बेटी दे दूंगी। शेषनाग बहुत शक्तिशाली है प्रार्थना, पूरे नागलोक के कर्ता धरता, अगर आज वो इस स्थिति में है तो अपनी बेटी के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। और तुम तो जानती ही हो प्रार्थना कि शिव शक्ति के मिलन से एक भव्य शक्ति बनती है, और उस भव्य शक्ति के बिना शिव शिव नहीं। इस हालत में शेषनाग नागलोक की बागडोर संभालने में सक्षम नहीं, नागलोक अब तुम्हें संभालना होगा प्रार्थना। हाँ, क्योंकि इस नागलोक की उत्तराधिकारी तुम्हारी बेटियां हैं और तुम्हारा पति है, तुम्हें इन दोनों को बचाना है प्रार्थना, और तुम्हारा दूसरा कर्तव्य है तुम्हारा देश। दोनों कर्तव्य निभाने होंगे, परीक्षा की घड़ी आ गई है प्रार्थना, और इस बार परीक्षा बहुत बड़ी है, इसीलिए एक एक कदम, एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है प्रार्थना, और हर कदम पर तुम्हें एक नई मंजिल तय करनी है और सबको बचाना होगा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है शेषनागिन,
परीक्षा की घड़ी तो सच में बहुत बड़ी है। अगर मेहर और अपने परिवार को बचाना है तो मेहर की शर्त माननी होगी। मुझे अपनी शक्तियाँ त्यागनी होगी।